गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर न्यू चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, इस चैप्टर में हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वे अपने खाने के लिए ग्रीन प्लांट और अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स की इसी हैबिट, फूड हैबिट के कारण उनको निम्न भागों में बांटा गया है। हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स, ओमनिवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स दे फीड ओनली ऑन प्लांट्स और प्लांट पार्ट, ये केवल प्लांट या प्लांट के पार्ट खाते हैं, एग्जाम्पल काउ, बफेलो एक्सेट्रा। कार्निवोरस एनिमल्स दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, एग्जाम्पल लॉयन टाइगर। ओमनिवोरस एनिमल्स दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, एग्जाम्पल क्रो, मैन एक्सेट्रा। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में होलोजॉइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। However, some animals are parasites. कुछ animals parasites होते हैं, कुछ saprophagus और कुछ scavengers होते हैं। Parasitic animals obtain food and shelter from the host. Parasitic animals host से ही अपना food और shelter लेते हैं। ये दो तरह के होते हैं, endoparasites, endoparasites जो host की body के अंदर होते हैं और host की body से ही वे food को लेते हैं। Ectoparasite, ectoparasites जो होते हैं बॉडी सरफेस पर पाए जाते हैं एंड सक देयर ब्लड, और ये होस्ट का ब्लड चूसते हैं। सेप्रोफेगस एनिमल्स दे फीड ऑन डेड एंड डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड एंड डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। स्केवेंजर्स फीड ऑन द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, स्केवेंजर्स डेड एनिमल्स को खाते हैं, एग्जाम्पल वल्चर, क्रो एक्सेट्रा। प्रोसेस ऑफ होलोजॉइक न्यूट्रिशन, होलोजॉइक न्यूट्रिशन में फाइव स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाने को लेने की जो प्रोसेस होती है उसे हम इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल, जब हमारा बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा हमारा खाना जब ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम, यानी जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसे हमारी इंटेस्टाइन वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुँचाती है। एसिमिलेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी एंड सिंथेसाइज ऑफ न्यू सेल्स। एसिमिलेशन की प्रोसेस में एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बॉडी सेल्स के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं और नए सेल्स को बनाते हैं। इजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड स्पॉइल सॉलिड पार्ट ऑफ द फूड, ये हमारे बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करता है।